कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है। होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहां इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते, और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते, हमारे देशभक्ति को। ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है, नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है।